अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ समर ट्रैवल सीरीज। इंतहाई खूबसूरत सनी मॉर्निंग है अभी जगलोट के अंदर, और आज का हमारा प्लान जो है वो नलतर निकलने का। तो आज के इस एपिसोड में आपको नलतर का जो सारा रास्ता है, कराकरम हाईवे से क्रॉस करते हुए हम जाएंगे गिलगित की तरफ, और वहाँ से पता चलेगा आपको कि नलतर का रास्ता कौन सा है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, जीरो पॉइंट तक जो नई सड़क बन गई हुई है उसके सीन्स चेक करेंगे, और वहाँ पे आगे जो सारी लेक्स के लिए जो जीप्स वगैरह अवेलेबिलिटी है उसकी, और क्या रेट्स चल रहे हैं वहाँ पे जीप्स की, और जो नलतर की सारी खूबसूरती है वो मिलने वाली है। तो एंड तक देखते रहिएगा। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। जगलोट से निकलते ही मौसम इंतहाई फिट हो गया, हर तरफ बादल आ गए, और बादलों के अंदर जो कराकरम हाईवे का व्यू है वो इंतहाई खूबसूरत हो जाता है। अब कराकरम हाईवे से हम जाएंगे टूवर्ड्स गिलगित, और गिलगित से ही एक राउंड अबाउट आता है, एक चौक आता है, जहाँ से हम हुंजा और नलतर की तरफ टर्न कर जाते हैं। और ये रोड दुनिया का बुलंद तरीन हाईवे है, और इसकी जोग्राफिकल लोकेशन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस एक रोड के ऊपर आपको तीन बिगेस्ट माउंटेन रेंजेस, कराकरम, हिंदू कश और हिमालय नज़र आता है। और अभी हम एक ऐसे ही व्यू पॉइंट के सामने से गुजर रहे हैं जहाँ पे ये तीनों रेंजेस आपको कन्वर्ज करती हुई नज़र आती हैं। नेक्स्ट कुछ किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद एक और जंक्शन पॉइंट आया है, जहाँ से राइट की तरफ जगलोट्स करदू रोड टर्न कर जाती है, और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हम जाएंगे इस दफ़ा टूवर्ड्स गिलगित और हुंजा। कुछ ही और किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद ये वो राउंड अबाउट आ गया है, जहाँ से स्ट्रेट गिलगित की तरफ चले जाते हैं, और अब हम राइट की तरफ टर्न करेंगे हुंजा वाली रोड के ऊपर। गिलगित हुंजा रोड से हमने नेक्स्ट टर्न लिया है टूवर्ड्स नलतर, और नलतर में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि जो रोड की कंडीशंस हैं वो बेहतर हैं। आगे आगे जिस तरह चलते जाएंगे तो आपको साथ साथ हम रोड की कंडीशन का भी बताते जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान का ये डिस्ट्रिक्ट बाकी रीजन्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पे कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, और वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़, आ खान हॉस्पिटल गिलगित की शक्ल में मौजूद हैं। तो ये वन ऑफ़ द मोस्ट डेवलप्ड एरिया यहाँ का, और जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है, रोड की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। हम पहुंच चुके हैं नोमल, जिसको लैंड ऑफ चेरीज और होम ऑफ चेरीज भी कहते हैं। अब इस वक्त चेरीज पे इतनी खास नजर नहीं आ रही, लेकिन आसपास इधर अभी फ्रेश एप्पल्स और पीचेस काफी ज्यादा लगे हुए हैं, और इंतहाई खूबसूरत वैली है नोमल भी।
और इधर दरियाब का लेवल बिल्कुल साथ साथ चल रहा होता है, और इंतहाई ग्रीन वैली, मतलब इस एरिया की अगर मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा ग्रीनेस्ट जो वैली है तो वो बात गलत नहीं होगी। और इससे तकरीबन नलतर थोड़ा सा आगे रह गया, अब नलतर पहुँचते हैं और उधर की लेक्स के नज़ारे करते हैं। अब यहाँ से जो नलतर की रोड है वो स्टार्ट हो चुकी है, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट की ही रोड यहाँ पे आगे कंटिन्यू होती है। और ये जो सारी रोड है ये अभी इसको एक साल हुआ है कंप्लीट हुए हुए, ये सारी नई एस्फॉल्ट रोड बनी है। पहले ये सारी ऑफ रोड थी जहाँ पे सिर्फ जीप्स वगैरह जा सकती थी, लेकिन अब आप अपनी हर तरह की गाड़ी के ऊपर यहाँ तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और इस रोड के स्टार्ट से ही नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो अब इस रोड के जो सारी सीन्स हैं उसको इन्जॉय करते हैं और पहुँचते हैं सीधा नलतर। पूरे रास्ते में दरिया थ्रू आउट आपके साथ साथ ट्रैवल कर रहा होता है, और अभी यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है जिसकी वजह से नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं और दरिया का जो फ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो नलतर का सफ़र हमारा जारी है और इस दरमियान में एक पॉइंट आता है जहाँ पे एक चेक पोस्ट है और वहाँ पे रुक के एंट्री करवाते हैं यहाँ पे, और जगह जगह पे टूरिस्ट पुलिस खड़ी होती है जो कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी और आपकी सेफ्टी को यकीनी बनाती है, जो कि बहुत अच्छा एक काम है। तो नलतर का सफ़र अभी तक इंतहाई खूबसूरत जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि आगे जो वैली है वो भी उतनी खूबसूरत हो और जो लेक्स है वो भी उतनी खूबसूरत हों। और अभी तक मौसम बहुत मज़ा करवा रहा है और ड्राइव इंतहाई खूबसूरत है इस एरिया की, रोड्स अखीर बन गई हुई हैं, मगर जो है वो कुछ एक चीज़ों का एहतियात ज़रूरी है, जैसे कि अपनी ब्रेक्स का ध्यान रखना, अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट्स वगैरह हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे रोड्स ऑसम है जिसके अंदर आप ट्रेवल ईजीली कर सकते हैं, ड्राइव भी बहुत मज़े की है, तो आएँ और अपना ख्याल रखें और एरिया का ख्याल रखें। इस एरिया की रोड्स तो काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 16,000 फीट के ऊपर नलतर वैली लोकेटेड है, और यहाँ की जो एल्टीट्यूड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता जाता है, तो अच्छा खासा गाड़ियों का भी जोर लग रहा होता है। इसके अलावा बारिश में रोड्स काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी भी हो जाती हैं, तो एहतियात से आना ज़रूरी है। फाइनली हम नलतर का जो बेस कैंप है जहाँ तक जीरो पॉइंट जिसको कहते हैं, जहाँ तक इजीली गाड़ी आ सकती है वहाँ पे आ गए। एक्सट्रीम एल्टीट्यूड था लेकिन रास्ता और रोड इंतहाई खूबसूरत थी। अभी आप मेरे पीछे सीन्स देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत सीन हो रहे हैं और मैं कहता हूँ वाकई जन्नत का एक टुकड़ा लग रहा है इस वक्त। और अभी इस टाइम पर बारिश फुल हो रही है, तो अभी यहाँ से आगे जो है ना जीप का ट्रैक है जहाँ से आगे लेक्स पे जाते हैं, और अभी कोशिश करते हैं कि जीप का कोई पता करते हैं, वरना दिल भी कर रहे हैं यहाँ पे कुछ स्टे भी करते हैं।
हम नलतर घूम रहे हैं और नलतर जो है मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। अभी हम पहले पहाड़ों के दूसरी तरफ थे, अब अपोजिट साइड के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मेरे पीछे जो है इतने खूबसूरत दरख्त हैं और ये अपोजिट साइड पे कुछ गवर्नमेंट रेजिडेंसीज वगैरह बनी हुई हैं और यहाँ पे हेलीपैड वगैरह। और इस जगह के ऊपर आपको सारी जो खूबसूरत सीनरीज हैं पाकिस्तान की वो कंबाइंड होकर यहाँ पे मिल रही होती हैं। इसके अंदर उशू फॉरेस्ट का नज़ारा देख लें या गलियात का जो एरियाज होते हैं और बाकी जो आप गिलगित बल्तिस्तान की अपनी ब्यूटी है, इंतहाई खूबसूरत सीन्स हैं। नलतर वैली में इस टाइम फुल बारिश वाला मौसम बना हुआ है, तो हमने भी फैसला किया है कि अभी इस टाइम पे आगे जीप्स पे नहीं जाते लेक्स वगैरह के ऊपर, क्योंकि अगर बारिश शुरू हो जाए तो उस तरह की मज़ा नहीं आता लेक्स के ऊपर, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। और इतनी खूबसूरत वैली देख के अभी यही फैसला किया है कि यहाँ पर रुकते हैं हम, और अभी होटल की सर्च जारी है, होटल ढूंढ के यहाँ पर अभी आज स्टे करते हैं, इंजॉय करते हैं इस वैली के सीन्स को, एक एक सीन को जो है देखना है वो वर्थ इट है। और फिर आगे कोशिश करेंगे कल वेदर को देखते हुए फिर लेक्स का प्लान करेंगे। नलतर वैली के अंदर हर एक एक मिनट के बाद सीनरी चेंज हो रही है और अभी सुभान अल्लाह एक खूबसूरत सी रेनबो निकल आई है जिसने इस एरिया को मज़ीद खूबसूरत बना दिया है। आज इतने खूबसूरत सीन्स मैंने देखे हैं वो शायद मैंने अपनी ट्रैवल जर्नी में पहले कभी ना देखे हों। हम लोग इस वक्त नलतर में और इंतहाई शदीद बारिश के बाद खूबसूरत से मौसम में पकोड़े ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो लिहाजा तो आप साहब ने अंदर जो है वो पकोड़ों का सीन बनाया हुआ है और अंदर ज़रा पकोड़े शकोड़े फ्राई हो रहे हैं, तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं जी। ये यहाँ पर पकोड़े शकोड़े चल रहे हैं, ये फ्राई हो रहे हैं और ये तो आप साहब इनको चख रहे हैं बैठ के। तो अभी इतना हाई खूबसूरत बारिश वाले मौसम के अंदर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे बैठ के पकोड़े बनाते हैं, क्योंकि इधर आसपास कहीं अच्छे मिलते भी नहीं है और हमने अपना सारा जो सामान है पकोड़ों का वो साथ रखा होता है और यही फ़ायदा होता है अपना जो स्टोव वगैरह और सारा जो निज़ाम है खाने पीने का साथ लेके आने का। अब इंतहाई खूबसूरत वैली के अंदर बैठ के अपने पकौड़े बना रहे हैं, इसको इन्जॉय करते हैं। अभी होटल के बैकयार्ड में हमने किया है बॉनफायर का इंतज़ाम और साथ ही साथ हमारी जो टूर की रिवायती बिरयानी होती है वो चल रही है साथ, और इसने अपने डिनर को एंजॉय करते हैं इस बॉनफायर के साथ। और आज के एपिसोड को यहीं एंड करते हैं, कल अपना जो नेक्स्ट एपिसोड है वो हम नलतर से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो लेक्स हैं और जो बाकी एरिया की ब्यूटी है वो एक्सप्लोर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अल्लाह हाफिज़।